देख रहे हैं जेजी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जिस तरह से आप सभी जानते हैं वार्ड नंबर 29 के अंदर मतदान जैसे कि चुनाव है और 27 दिसंबर को मतदान है और 30 दिसंबर को मतगणना है, उसी को लेकर जैसे कि कल मतदान किया जाएगा उसी के चलते पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारियाँ हैं। और अनाज मंडी के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो वोटिंग के लिए चुना गया है, यहाँ पर लोग आकर मतदान करेंगे, पूरी तैयारियां है। यहाँ पर कोरोना के चलते भी टाइमिंग रखी गई है, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए अलग टाइमिंग है। और वहीं आज पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ तो देख पुलिस प्रशासन है जो शिव चौक से वहाँ से तैनात हुआ है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, आज 800 की मिलिट्री है जो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। पुलिस प्रशासन की आज से ही ड्यूटी लगा दी गई है, कल तक यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं सिरसा के उपायुक्त या फिर सिरसा के प्रशासन भी यहाँ पर आज पूरी तरह से मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की गई है। और कहना है कि सुबह 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3:30 बजे तक वोटिंग चलेगी और जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए 3:30 से 5 बजे तक वोटिंग का टाइमिंग रहेगा। और वहीं इनका यह कहना है जिस तक राजनीतिक पार्टियां टेंट या तंबू लगाकर बाहर बैठते हैं तो वो लोग 200 मील की दूरी पर तंबू लगाकर बैठेंगे और किसी भी तरह की अगर शरारती तत्व या किसी भी तरह की हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनका कहना है कि शांतिपूर्वक है चुनाव होगा, इस बार जो मतदान है लोग यहाँ पर सुबह 8 बजे आके कर सकते हैं। तो जेजी न्यूज़ की टीम आपको लगातार वार्ड नंबर 29 से जानकारी दे रही है, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 30 दिसंबर को मतगणना है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 29 के अंदर किसका चेहरा देखने को मिलता है। टाइमिंग तो वोटिंग के लिए 8 से 5:30 का है और 5 बूथ हैं स्कूल के अंदर और लगभग 800-850 के करीब एक बूथ के ऊपर वोट हैं, तो सब अरेंजमेंट ठीक हैं, काफ़ी स्पेसियस है और पुलिस के अधिकारियों को डायरेक्शन दे दी हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना बाहर बैठते हैं टेंट लगा के वो यहाँ से 200 मीटर दूर लगाएंगे, तो सब अरेंजमेंट ठीक है हमारे। कानून अपना काम करेगा, ऐसा तो यही है, कोई हरकत करेगा किसी तरह का उसी ढंग से जैसी हरकत होगा वैसे कानून काम करेगा।